मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से हम लोग हिंदी की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो क्लास फाइव के लिए पहला पाठ हम शुरू कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक से। इसमें पेट का दर्द पाठ है हमारा, कविता है, इसकी रचयिता है, इसके रचयिता है सुनहरी लाल वर्मा। तुरंत उनके उनका उपनाम है। और इस पाठ में पेट का दर्द बताया गया है। यहाँ कविता तुम्हारे सामने रखा हुआ दिया हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ पढ़ के उसके भावार्थ को समझेंगे। पेट के बारे में कवि ने इस कविता में बहुत सुंदर चित्रण किया है पेट के दर्द को। एक पेड़ जो इतना अच्छा होता है, वो अपने जीवन से बस हमें कुछ देता ही देता है, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं कि उसको काट कर अपनी भूख को मिटाते हैं। लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य पेड़ को काट कर पर्यावरण को, वातावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। और पेड़ भी सब कोई जानते हैं कि पेड़ में भी जीवन होता है, वह भी हमारी तरह सांस लेता है, खाता है और फिर हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। तो पेड़ अपने दर्द, कवि ने बहुत सुंदर से पेड़ के दर्द को इसमें व्यक्त किया है कि एक पेड़ मनुष्य से क्या कह रहा है। अब देखो, रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला। एक पेड़ रो कर एक लकड़हारे से एक दिन बोला कि हे लकड़हारे, क्यों पूछ काटता मुझे, ओ भैया तू है कितना बोला, तू मुझे क्यों काटता है, तू कितने भोले हो। पेट के दर्द को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है अपने भावनाओं के रूप में, पेट के दर्द को। सोच समझ कर फिर बता मुझे, पेट पूछता है उस आदमी से कि तू सोच समझ कर बता कि मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको जब को देता ही देता हूँ। तो पेट कहता है कि ये पगले तू सोच कर बताओ कि मैं तुमसे क्या लेता हूँ, मैं तो केवल तुम्हें देता हूँ और जग को देता। अब वो देता क्या क्या है, सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। पेड़ कहता है कि मैं तो सूरज से प्रकाश लेकर अपना खाना खुद बनाता हूँ, धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ, और धरती माता से जल को लेकर वो अपना प्यास खुद बुझाता है। वो न किसी व्यक्ति से कुछ मांगता है, न खाना मांगता है, न पानी मांगता है, वो अपना खाना खुद बनाता है सूर्य से प्रकाश लेकर, और धरती की से पानी लेकर अपनी प्यास को बुझाता है। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। आगे पेड़ कहता है कि जहरीली वायु को मैं पी जाता हूँ, तुम्हारे छोड़े गए जहरीली वायु को मैं खुद पीता हूँ और तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता, और शीतल छाया को देकर हर दुख को हर लेता। अर्थात पेड़ अपनी अंतरात्मा को यहाँ व्यक्त कर रहा है उस मनुष्य से, जो मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ को काट देते हैं और काट कर पर्यावरण को हानि पहुँचाते हैं, सभी को हानि पहुँचाते हैं। तो इसलिए पेड़ उनसे विनती करके उनसे पूछता है कि मनुष्य मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ता हूँ जो तुम मुझे बार बार काट देते हो। तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। आज हम लोग इसमें इतना आधा भाग कविता का पढ़ेंगे, आधा भाग हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कविता थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा दो पार्ट में पढ़ेंगे, दो भाग में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इस कविता की पंक्ति को, जो बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, कविता की पंक्ति को उतार दो, अगर बोर्ड नहीं है तो आप लोग उसको उतारिए और उसको लिखिए, याद कीजिएगा। उसके बाद शब्दार्थ भी, शब्द का भी अर्थ बता, जैसे लकड़हारा मीन्स होता है लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं, ये हम सब जानते हैं।
कहते हैं। उसके बाद जग, जग संसार को कहते हैं। प्रकाश रोशनी होता है, शुद्ध साफ होता है। ताप गर्मी को कहते हैं। ये हम कल आपको बोर्ड पर लिखकर बताएंगे देंगे और उसको आप लिखकर याद कीजिएगा, लेकिन वो हम अगले क्लास में देंगे। आज के दिन आप कविता की पंक्ति को याद कीजिएगा, उसको लिखिएगा कॉपी में, अपने कॉपी में उसको पहले उतार लीजिए, फिर उसको आप याद कीजिए, पढ़िए दो चार बार, पढ़कर उसको याद करना है। और शब्दार्थ शब्दार्थ भी लिख देते हैं, उसको भी उतार लिखे ना सर जाएगा। यहाँ दो हर का दो मतलब है, एक ही वाक्य में एक